कार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो अगर आप ग्राफिक मोड पैक डाउनलोड करते हो और अगर वो गेम क्रैश कर जाता है, और तो और बहुत चीजें कर सकते हो। एंड हर एक ग्राफिक मोड पैक के अंदर एक बहुत ज्यादा स्पेशल चीज होती है, गैस करोगे आप, डाउनलोड जरूर करिए इसको, यहाँ पे ये मोड पैक बिल्कुल फ्री है। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस वाली वीडियो के अंदर, और इस वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ GTA 5 का वर्जन 4 का मोड पैक। और इस वाले मोड पैक के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस ग्राफिक मोड पैक के अंदर सबसे अच्छी जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है वो होने वाला है इस वाले मोड पैक का फोन। जी हाँ, फोन से आप बहुत सारी सी चीज़ें कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपनी कार्ड्स को इम्पोर्ट कर सकते हो, फोन से स्पोर्ट्स कार्ड्स को इम्पोर्ट कर सकते हो, अपने फोन से फोटोज क्लिक कर सकते हो, और उसके अलावा आप अपने फोन के अंदर ब्राउजिंग भी कर सकते हो, और तो और बहुत चीजें कर सकते हो। वो सब चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो के अंदर। और कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी से सुपर कार्ड्स है जो आपको इस वाले ग्राफिक मोड पैक के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा जो कार्ड्स आपको मिलने वाली है, जो कि आपने अपने कुछ और मोड पैक्स के अंदर भी देखी होगी, कुछ बहुत ज्यादा अच्छी स्पोर्ट्स कार, उस टाइप की स्पोर्ट्स कार्ड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस वाले ग्राफिक मोड पैक के अंदर। एंड हर एक ग्राफिक मोड पैक के अंदर एक बहुत ज्यादा स्पेशल चीज होती है, गैस करो वो चीज है हमारे स्काई बॉक्स। और क्योंकि स्काई बॉक्स इस वाले ग्राफिक मोड पैक का कुछ ज्यादा यूनिक है, तो आई होप कि ये वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक है ये बहुत लोगों को पसंद आने वाला है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा यूनिक स्काई बॉक्स है, तो काफी लोगों को ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा यूनिक लगेगा, और वो इस ग्राफिक्स मोड को इस स्काई बॉक्स की वजह से पसंद जरूर करेंगे। तो ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी करा हुआ है लेकिन बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करा हुआ है, और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ है। तो यार सब्सक्राइब तो कर दो, ये गलत बात है, सब्सक्राइब पहले जल्दी करना होगा आपको, उसके बाद में आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, तभी आपको मेरी वीडियोज अपलोड हुई हुई का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये चीज करना मत भूलना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और यही प्रॉब्लम है, काफी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है स्टार्टिंग के अंदर, तो इसलिए वीडियोज में व्यूज भी बहुत कम आते हैं और वीडियो काफी लोगों तक नहीं। So, अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा देना। वन मोर थिंग, GTA San Andreas के ग्राफिक मोड पैक अगर आप डाउनलोड करते हो मेरे चैनल में से, कोई भी वीडियो में से अगर आप ग्राफिक मोड पैक डाउनलोड करते हो और अगर वो गेम क्रैश कर जाता है, तो यार आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी सॉल्यूशन वीडियोस बना रखी है और उन सभी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएगी देखने के लिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस उन वीडियोस को जाकर के प्रेफर करना है, जो भी आपका क्रैश हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में से। और तो और आपका अगर गेम लैग करता है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने वीडियोस बना रखी है उसी वाले प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप जाकर के देख सकते हो, तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि आपका गेम अगर क्रैश हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लैग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ आपको पता लग जाएगी। मैं बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ किस तरीके से आप इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक को इंस्टॉल नहीं करोगे, वो बाद में बताऊंगा, ये दिखने कैसे वाला है वो चीज आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो इनटू द गेम प्ले। एंड ऑलराइट, तो ये अपना गेम है, इतना अच्छा हमें यहाँ पे जो है लोडिंग स्क्रीन देखने के लिए मिल गया है, कार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स कार्स है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और तो और सबसे अच्छी चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जो कि है इसका फोन, और जो आप फोन देख रहे हो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप इवन देखने के लिए मिल जाता है, व्हाट्सएप में आपको कुछ नंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बेसिकली ब्राउजर में गया हूँ और मैंने यहाँ पे लेजेंडरी मोटर्स पे क्लिक किया, उसके बाद में आप देख सकते हो लेजेंडरी मोटर स्पोर्ट्स पे मेरे को क्लिक करते ही यहाँ पे एक कार पे क्लिक किया और एक कार पे मैं इम्पोर्ट, मतलब कार इम्पोर्ट हो गई और उसके अंदर मैं बैठ भी गया, मुझे एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा कुछ भी, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके अलावा आप कैमरा भी अपना ओपन कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और यहाँ पे गाइस अब हम मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ में फ़ोटो खींचने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम अभी एक फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं, यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन आ गया एंड यहाँ पे अभी फ़ोटो क्लिक, अच्छा अभी नहीं हुआ है, ओके 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 ओके
शायद मैं गलत बटन दबा रहा हूँ, रुको मुझे फोटो, ओके या दैट्स इट। अब हमने फोटो खींच ली है, तो इस तरीके से आप फोटो भी खींच सकते हो, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं व्हाट्सएप में गया, यहाँ पे तुरंत पे मेरे को क्लिक करते ही मेरे को यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एक मैंने चैट पैक ऑर्डर कर दिया, और ये चैट पैक हमारा इस गेम में अभी आने वाला है, यहाँ पे ये बात हो रही है और ये हमारा चैट पैक भी आ चुका है। गाइज यू कैन सी जो हमारा चैट पैक है वो इस वाले ग्राफिक मोड पैक के अंदर आ चुका है अपने जस्ट फोन करके। कैरेक्टर चेंज भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कैरेक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है इस गेम का स्काई बॉक्स। अब आप स्काई बॉक्स देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, ये जो स्काई बॉक्स है आपको कितना अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है, और तो और आपको जो रोड टेक्सचर्स है वो भी आप देख सकते हो कि आपको जो ये रोड टेक्सचर से वो बहुत ज़्यादा लाइट आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हाई एंड भी नहीं होता है फिर भी ये आपका जो मोड पैक है अच्छे से सपोर्ट कर लेगा ये आपके फ़ोन के अंदर। और उसके अलावा जो कार्ड्स है वो तो यार आपको GTA 5 की कार्ड्स मिलने वाली है, एंड उसके अलावा कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कार्ड्स भी है जो कि GTA 5 के अंदर भी नहीं है, उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेम के अंदर आपके लिए इम्पोर्ट करवाई गई है। वेदर आप देख सकते हो चेंज कर करके, और भी ऐसी इंडियन कार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाती है इस वाले पर्टिकुलर ग्राफिक मोड पैक को, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि यार किसी ने एक्सपेक्ट करी होगी। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे क्लोज स्क्रिप्ट मिल जाती है जिनसे आप सिनेमेटिक वे में अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने स्टोरीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप स्टोरीज़ बनाते हो GTA San Andreas एंड्रॉयड के अंदर। और कुछ इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग करते हो बहुत ज़्यादा आपको कार्ड्स तो इसके अंदर इतनी सारी मिलने देखने के लिए मिलने वाली है, जिसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो अपने GTA San Andreas के अंदर मिशन कर करके, और कुछ ही क्लिक्स में आपको बहुत अच्छी फंक्शनलिटी मिलती है इस वाले ग्राफिक मोड के अंदर, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने स्क्रीन पे क्लिक करते ही अपने जो गेम के सिनेमैटिक्स है उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कैमरेस को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो पूरा गेम का कंट्रोल आप ही के हाथ में होने वाला है गाइस। और इंडियन कार एक ही नहीं मिलने वाली है भाई, इंडियन कार दो दो और उससे भी ज़्यादा इंडियन कार्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा वाला ये जो ग्राफिक मोड पैक है ये लगा है, और अगर आपको ये वाला ग्राफिक मोड पैक पसंद आया तो प्लीज़ आप डाउनलोड ज़रूर करिए इसको। यहाँ पे ये मोड पैक बिल्कुल फ्री है, और जो इनके ओनर है जिन्होंने इस मोड पैक को बनाया है गाइस उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनको भी जाके सपोर्ट करिए। और तो और आपको अब मैं ले जाने वाला हूँ इंस्टॉलेशन की ओर। तो इंस्टॉलेशन में आपको क्या करने का है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस इंस्टॉलेशन में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने एक अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, और उस एक वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बताया हुआ है, और उस वीडियो के अंदर जो प्रोसेस बताया गया है वो इस वाले मोड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप इस वाले मोड पैक को डाउनलोड करते हो और उस वाली वीडियो के अंदर जाकर के इंस्टॉलेशन देखते हो तो आप इंस्टॉलेशन अपना कर पाओगे, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है गाइस। इंस्टॉलेशन वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जस्ट आपको गेम को डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहले APK एंड डेटा फाइल को दोनों को डाउनलोड करने के बाद में आपको उस वीडियो को जाकर के चेक कर लेना है जिसमें आपको अपना इंस्टॉलेशन देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो आई होप ये जो वीडियो है पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक बहुत कम लोग करते हैं। और मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सब्सक्राइब, तो अगर आप कर रहे हो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने ये वीडियो देखी है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ यार नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का तो कोई सेंस ही नहीं बना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आया नहीं तो सब्सक्राइब का कोई सेंस नहीं होगा गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गिव मी योर सजेशन इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। बाय गाइज।